राधे राधे दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी धर्मशाला में रुके हैं जो किसी होटल से कम ना हो? अगर रुके हैं ऐसी धर्मशाला में तो कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कि कौन सी वो धर्मशाला है और कहाँ पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वृंदावन में एक ऐसी धर्मशाला जो किसी होटल से कम नहीं है। इसका नाम है तेज राम धर्म पॉल चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, रूम्स यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं और आज के इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इस धर्मशाला की सारी डिटेल्स आपके साथ, यहाँ की लोकेशन, यहाँ के रूम्स। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ पे लंच भी करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, और यहाँ के जो रेट्स हैं वो बहुत ही इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली है, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इंडिया एक जन्नत के साथ, और चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ की लोकेशन की बात की जाए तो ये वृंदावन के रुक्मणी विहार में है, रथ वाला गेट, और ये कार्ड आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये धर्मशाला बहुत ही कन्वीनियंटली लोकेटेड है वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर से तकरीबन 3 किलोमीटर और प्रेम मंदिर तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है। एंटर करते ही लेफ्ट साइड में है मंदिर, बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण का मंदिर, इतने सुंदर स्वरूप है यहाँ पे राधा कृष्ण के। एंटर करते ही राधा कृष्ण के जो दर्शन होते हैं, इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। तो अभी लंच टाइम हो गया है, पहले लंच करते हैं और फिर दिखाएंगे यहाँ का सारा एरिया। यह है यहाँ का रिसेप्शन एरिया। चेक इन टाइम 1 बजे और चेकआउट टाइम 12 बजे का है। यहाँ पर लंच टाइमिंग 1:30 बजे से 2:30 बजे तक है और अभी लंच टाइम हो गया है, हम लंच करने जा रहे हैं। उसके लिए हमें यहाँ से टोकन लेना होता है। थैंक यू। और हमने अपने लिए टोकन ले लिया है। अब चलते हैं, करते हैं लंच और फिर दिखाते हैं अपना रूम। ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल। मैं अपनी प्लेट बना के ले आई हूँ और यहाँ पे बुफे सिस्टम रहता है, सेल्फ सर्विस, और ये 150 रुपीज़ का बुफे था पर पर्सन, बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस और अनलिमिटेड सर्विंग है। ये है राजमा, शाही पनीर, आलू परमल, बूंदी रहता, चावल, चपाती, पापड़ और सैलेड। यहाँ का खाना पूरा सात्विक है, बिना प्याज और लहसुन के। यहाँ पर डिनर में भी बुफे सिस्टम अवेलेबल है, 150 रुपीज़ पर थाली, और टाइमिंग जो है 8:30 से 10 बजे तक, और मॉर्निंग में बुफे ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स भी 8:30 से 10 बजे तक हैं। सारी सब्जियां बहुत टेस्टी हैं, लेकिन मेरे को पनीर सबसे अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया में कुछ गेस्ट भी है, उनसे फीडबैक लेते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा है, इट्स जस्ट लाइक अ 5-स्टार प्रॉपर्टी। जो इसके बेड्स हैं बहुत ही सॉफ्ट है, मोर ओवर जो खाना है वो आपको एकदम घर जैसा मिलता है, और इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो है, लाइक ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे करते हैं, तो बहुत ही लग्जरियस फीलिंग आती है यहाँ पे आके रह के। लगता ही नहीं कि हम किसी आश्रम में आए हुए, इट्स जस्ट लाइक कि हम कोई बाहर कोई प्रॉपर्टी अच्छी इंजॉय कर रहे हैं। आपको शेयर करना, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, बेड्स बहुत सॉफ्ट हैं, सोकर बहुत मज़ा आता है, और आप डेफिनेटली रेकमेंड करेंगे? डेफिनेटली, हम तो जब भी आते हैं हम यहीं पे स्टे करते हैं, तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि हम यहाँ पे आके ही स्टे करें। तो हम स्पेशल अमृतसर से जब भी आते हैं हमारी बुकिंग्स 2-3 मंथ्स पहले की होती हैं। ग्रेट, ये होटल की हमें बुकिंग्स मिलती हैं तो ही हम पहले आते हैं यहाँ पे। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। तो हम अपना लंच इंजॉय करके आगे हैं, बहुत ही टेस्टी खाना था, और अगर आपका खाने के बाद कुछ मीठी की क्रेविंग हो तो यहाँ पे आइसक्रीम्स भी अवेलेबल है चार्जेबल बेसिस पे, और साथ में यहाँ पे ड्रिंक्स की भी ऑप्शन अवेलेबल है। यह है यहाँ का कॉरिडोर और हमारा रूम है रूम नंबर 202, और यहाँ पे जो है सीटिंग एरिया भी प्रोवाइडेड है। ये आप देख सकते हैं कितना ही स्पेशियस, कितना खुला रूम है। एंटर करते ही राइट साइड में है स्टोरेज एरिया, साइड में है टी एंड कॉफ़ी मेकर, और यहाँ पे कुछ बिस्किट और कुकीज़ अवेलेबल है। नीचे है मिनी फ्रिज, सामने है लंबा सा वर्टिकल मिरर, और ये है यहाँ का डबल बेड, काफ़ी कम्फर्टेबल है, और सामने है टीवी, और टीवी पैनल आप देख सकते हैं कितना इम्प्रेसिव है, वॉल टू वॉल है। यहाँ पे है सीटिंग एरिया और काफ़ी बड़ा है,
यहाँ पे अगर आप रात को सोना चाहें तो इतना बड़ा है कि आप सो भी सकते हैं। बेड की साइड में है रीडिंग लैंप्स और ये पूरी धर्मशाला जो है सेंट्रलाइज्ड एसी सिस्टम है। और ये है यहाँ का बाथरूम, ये है वॉश बेसन, नीचे दिए गए हैं कुछ टॉवल्स और यहाँ पे है शॉवर पैनल। यहाँ पर एक ही रूम कैटेगरी है, सारे रूम सिमिलर हैं, टोटल 35 रूम्स हैं और 3 फ्लोर्स पर। और यहाँ का रूम टैरिफ बहुत ही इकोनॉमिकल है, 1 नाइट स्टे है 1800 रुपीज़। इसमें कोई भी मील्स इंक्लूडेड नहीं है, मील्स की ऑप्शन यहाँ पे बुफे सिस्टम अवेलेबल है, टाइमिंग्स मैंने अर्लियर आपको बताई दी थी और चार्जेस उसके जो रहते हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन, अनलिमिटेड सर्विंग। अगर आप वृंदावन में अपने लिए कोई अकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बजट होटल हो चाहे कोई भी अच्छी ऑप्शन रहने की, तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है। बहुत ही इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली रेट्स हैं और सर्विसेज आपको सारी अच्छी मिलेंगी यहाँ पे। यहाँ की बुकिंग ओवर द फ़ोन होती है और यहाँ के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो बल्क रूम्स की बुकिंग होती है वो वेल इन एडवांस हो जाती है काफ़ी महीने पहले, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अकोमोडेशन अवेलेबल है एट इकोनॉमिकल प्राइसेस, तो यहाँ की बुकिंग बहुत जल्दी बुक हो जाती है। इसलिए हम रेकमेंड करेंगे कि आप कम से कम 2 हफ्ते पहले अपना अकोमोडेशन बुक कर लीजिए। ये है यहाँ का बैंक्वेट एरिया, यहाँ पे कुछ शादी हो फंक्शन हो सब अरेंज हो जाते हैं और तकरीबन 300 से 400 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है डेली लंगर सेवा भी प्रोवाइड करती है। अभी ये बांट के आए हैं, जो साधु होते हैं या जो गरीब लोग हैं, बेरोजगार हैं, जिनके पास काम नहीं है, उन सबको लंगर सेवा बांट के आते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा ताकि मिल सके आपको नोटिफिकेशन हमारे आने वाली वीडियोस की। तो मिलते हैं आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, इंडिया एक जनक के साथ, और राधे राधे।